दोस्तों नमस्कार, ऑनलाइन गुरुकुल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक पे, बेसिकली LCM SCF, लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, ये बचपन से सभी पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोग पहले कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करके LCM निकालते हैं, SCF निकालते हैं। तो आज हमने कुछ इस तरह का मेथड पे डिस्कस करना चाहा जो आपका LCM भी निकले, समय भी बचा दे आपका। सिंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यदि 2-4 सेकेंड में यदि बच जाता है तो वो आपको बाद में किसी न किसी क्वेश्चन में आपको काम में आ जाएगा। और तो चलिए देखते हैं कि आज LCM पे टोटली डिस्कशन चल रहेगा हमारा कि LCM को ईजिली कैलकुलेट कैसे करते हैं। हो सकता है आप मेथड यूज़ किए हो, या हो सकता है कि आज जो मेथड हम आपसे आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वो मेथड आपने इस तरह से कभी नहीं सोचा था। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम सिंपल वे से LCM का मीनिंग जस्ट यदि जानने का प्रयास करें, तो LCM का मीनिंग क्या होता है। जैसे कोई भी दो नंबर है, ये दो नंबर का यदि हम LCM निकालते हैं तो LCM जो है ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू N1 या N2, दोनों में से दोनों नंबर से जो है LCM बड़ा हो सकता है या बराबर होगा। और इस तरह से होगा जो N1 से भी आपका डिवीजन हो जाएगा और N2 से भी ये डिविजिबल हो जाएगा। मतलब LCM जो है दो नंबर का या तीन नंबर का या चार नंबर का इस तरह का एक संख्या होगा जिसमें N1 से भी भाग लग जाएगा, N2 से भी भाग लग जाएगा, N3 से भी भाग लग जाएगा यदि आप LCM कैलकुलेट करें। चलिए, ये तो हुई बात। इसी कंसेप्ट पे के आधार पर हम लोग LCM कैलकुलेट करना सीखेंगे। बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपका 8, 12, 15, 21। इसका LCM निकालने का क्या तरीका है? क्वेश्चन इज फाइंड द LCM, इसका लघुत्तम समापवर्त जो है आपको निकालना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो बेसिकली करना क्या है, देखिए मेथड जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि 21 जो है, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है, उसको आप फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज करने के बाद आपको मिलेगा 3 × 7। ठीक है, हम लोग LCM कैलकुलेट कर रहे हैं तो लार्जेस्ट जो नंबर उसको फैक्टराइज किए। अब इसमें देखिए 15 भी तो होना चाहिए LCM में, तो हमारे पास 3 है तो एक 5 जिससे यदि गुना कर दे तो इसमें LCM में 15 भी आ जाएगा। नेक्स्ट 12 देखते हैं, 3 है ऑलरेडी है तो इसमें यदि 4 दे दें तो उससे भी आपका 12 भी आ गया। ठीक है, और 4 है, 8 लाना है हमको इसमें, तो 4 है तो यदि हम इसमें 2 से गुना कर दें तो ये यही हमारा LCM हो जाएगा। गुना करके आप देख सकते हैं 40, ये टोटल 840 जो है आपका LCM हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं इस मेथड को, इसको मिटा देते हैं। देखिए 21 को सबसे पहले फैक्टराइज करिए, 3 × 7, ये जो LCM कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, 21 को फैक्टराइज कर, सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है उसको फैक्टराइज कर लीजिए 3 × 7। उसके बाद 15 है, 15 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा। 12 है, 12 लाने के लिए देखिए 3 ऑलरेडी है, 12 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। 8 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 है तो इसको 2 से गुना यदि कर दें तो हमारा 8 भी आ जाएगा। तो ये हो गया आपको कंप्लीट LCM, उसको गुना करने के बाद जो भी आपका आता है वही आपका LCM हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप हो सकता है किस तरह से पहले करते होंगे कि 21 का मल्टीपल देखते होंगे, उसमें सबसे भाग देते होंगे, यदि मेंटली आप यदि LCM कैलकुलेट करते होंगे तो 21 के मल्टीपल देखते हैं, उसे 15 से लगेगा कि नहीं, 12 से डिविजल होगा कि नहीं, 8 से डिविजल होगा कि नहीं, उस बेसिस पे आप निकालते थे। तो इस मेथड को भी आप LCM में LCM ईजिली निकाल सकते हैं। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 18, 24, 60, 150। देखिए अब इस स्थिति में क्या है कि आपको तो एग्जामिनेशन में LCM निकालने के लिए देगा नहीं, वो तो छोटी बात हुई वो।
आपको बस जो किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो आपको एलसीएम लेना पड़ता है उसके लिए ही आपका प्रोसेस, यदि मेंटली आप विद इन सेकेंड आप इसको कैलकुलेट कर दें। तो बेस्ट जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इस हम यहाँ पे थोड़ा बड़ा नंबर ले रहे हैं उससे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 150 को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो 150 को जब फैक्टराइज करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 215 × 10 150 हो गया आपका। अब 60 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 150 को फैक्टराइज कर दिए 15 × 10 तो टोटल फैक्टराइज हो गया, 15 × 10 भी लिख देते हैं तो वहां से भी निकाल सकते थे हम लोग। तो 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, ये × 2 = 30, तो एक और 2 का जरूरत पड़ेगा, जैसे 24 है आपका, 24 का जब करेंगे आप 3 × 2 = 6 × 2 = 12, 24 लाना है तो एक 2 और दे देंगे, 18 लाना है आपको तो आपको 3 × 2 = 6, 6 के बाद और एक यदि 3 हो जाए तो यही आपका रिक्वायर्ड एलसीएम हो जाएगा, नहीं गुना करने के बाद जो भी आए, बाय द वे 1800 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से करके आप एलसीएम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मेंटली आपको पेन पेपर लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक आपका है क्वेश्चन 10, 15, 20, ठीक है, ये आपका है, इसका एलसीएम कैसे नहीं? तो हम लोग क्या करते थे, 20 का मल्टीपल देखेंगे उसके बाद 15 से भाग देंगे होता है कि नहीं, 10 से भाग देंगे होता है कि नहीं, इसको इस तरह से भी किया जा सकता है। यदि ऐसे हम सोचिए 4 × 5 = 5 है, हमारे पास 15 लाना है तो 3 और 10 लाना है, 5 × 4 = 2 है ही, इसका मतलब हो गया ये हो गया, तो यही हमारा जो है एलसीएम हो गया 60। बाय द वे आप हम लोग तो ऐसे ही करते थे 60 20 का मल्टीपल हुआ, 15 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अच्छा इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें और एक बात कहना है, जैसे आप यहाँ कैलकुलेट कर रहे थे 10, 15, 20, आप यहाँ से क्लियरली देख रहे हैं कि 10 जो है 20 का फैक्टर है, तो एलसीएम 10 और 20 का एलसीएम जो है, यदि 20 का इस दो का जो भी एलसीएम होगा वही 10, 15, 20 का होगा, जिसको हम काट भी दें 15 और 20 का एलसीएम निकाल दें तो वहीं से हमारा 10, 15, 20 का एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में देख लीजिए 6 × 8 = 12 है, तो हमको कोई ज़रूरत नहीं है 6 देखने का, क्योंकि 6 इज ऑलरेडी ए फैक्टर ऑफ 12, ठीक है। तो 12 है, इसको फैक्टराइज करिए आप, क्या हो जाएगा 3 × 4 हमारे पास है और 8 लाना है तो 2, 6 तो देखने की जरूरत है नहीं सिंस 12 का ही फैक्टर किए थे हमने, तो यहाँ पे इसका एलसीएम जो होगा 24, ठीक है। तो इस तरीका से यदि सोचे तो भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 16, 24, 36, 54, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बाय द वे आप यदि इसको देखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6 × 9 हो जाएगा, ठीक है, 6 × 9 ये हो गया। अब जैसे 36 है तो 36 जो है 2 × 6 हो गया, 6 के बाद 6 × 3 = 18, 18 उसको फिर 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है, ये 36 हो गया। अब जैसे 24 है 2 × 2 = 4, 3 = 12, इसके बाद और एक 2 का जरूरत है होगा। 16 है 2 × 2 = 4, 2 = 8, 1 = 2 से और गुना कर दीजिए, तो ये जो होगा आपका रिक्वायर्ड एलसीएम हो जाएगा। इस तरह से भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास और एग्जांपल लेते हैं इसमें ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए दिक्कत। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 25, 60, ये हो गया 75, 80, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, जैसे 5 × 2 ये हो गया 16, ठीक है। अब 75 लाना है
तो आपको पता है 75 के लिए एक 5 है, तो मतलब और 15 लाना पड़ेगा, मतलब इसको हम 3 × 5 कर दिए, यहाँ पे 60 है। 60 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3, 2, 6, 12, 5, 60 ऑलरेडी इसमें है 60, ठीक है। 25, 5, 5, 25 वैसे 25 जो था फैक्टर था 75 का, नहीं भी देखते चलता, तो ही जो है हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम हो जाएगा, जो भी इसका गुना करने के बाद आएगा ये आपका आ जाएगा 1200, ठीक है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं, तो आपको बस यही देखना है कि जो लार्जेस्ट नंबर है उसको फैक्टराइज कर लीजिए और बाकी सब नंबर को देखिए उसमें है कि नहीं। बेसिकली एलसीएम क्या होता है, जो फैक्टर्ड होता है उसका सुपरसेट होता है, उसी बेसिस पे हम लोग ये निकालते हैं। इसी तरह एससीएफ का भी कंसेप्ट है, एससीएफ तो और इजी है इसे निकालना, शायद उस तरह से आपने कभी सोचा नहीं होगा, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आपको एससीएफ कैसे निकाला जाता है। अभी एलसीएम पे एक और लेते हैं, जैसे आप हमारा एक एग्जांपल है 60, 75 और 90, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा ये देख लीजिए, बेसिकली इसको लिख सकते हैं 6 हो गया और ये हो गया आपका 15, 90 हो गया। अब 75 लाना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा इसमें, तो 15 ऑलरेडी है तो एक और 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 लाना है हमको, तो क्या कैसे लाएंगे, 5 ऑलरेडी है और 12 लाने से ही हो जाएगा, 3 × 2, 6 तो आ गया, 12 नहीं तो ये 2 से गुना करें, यही आपका जो है एलसीएम होगा। ये गुना करने के बाद आपको एलसीएम जो है 900 आ जाता है, ठीक है। तो बेसिक मेथड यही है, आप जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है उसको फैक्टराइज करिए, फैक्टराइज करने के बाद बाकी जो है उसको भी उसमें इस तरह से लिख दीजिए कि आपका जो एलसीएम जो निकाले वो सुपरसेट हो जाए, मतलब ये जो फैक्टर है उसमें आपका 75 भी आ जाए और 60 भी आ जाए, इस तरह करके आप इजीली एलसीएम निकाल सकते हैं। तो हो सकता है कि आप पहले इस मेथड पे काम नहीं किए हो, तो आसान होता है जब 4-5 नंबर हो तो आसान होता है। जो आप बाय द वे कन्वेंशनल मेथड तो वो टाइम टेकिंग होगा ही, एक ही मेथड जो कम समय लगता है जो 90 का मल्टीपल करके आप कर सकते थे, यदि वहाँ से नहीं आता है तो आपको इस मेथड पे आइए, ये आपको आसान रहेगा और आपका समय बचाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और नेक्स्ट जो क्लास होगा हम आपको दिखाएंगे कि एससीएफ को कुछ अलग से सोचेंगे और आसानी से कैसे एससीएफ कैलकुलेट करेंगे, और कम से कम समय में आपको हम लोग इजी कैलकुलेशन से दिखाएंगे कि एससीएफ इस नंबर का क्या होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, यदि आपको मेरा मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद।